पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नौ सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के पूर्ण होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रामनगर बिहार में किया गया। प्रेस वार्ता में राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता की। सतीश पूनिया ने कहा कि 9 साल के कार्यकाल में सरकार ने विधानसभा और लोकसभा स्तर पर आयोजन करने का मन बनाया है, जिससे कि 9 साल के कार्यकाल जनता के बीच जा सके। तो वहीं आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए बताया कि पार्टी का मंडल स्तर पर योग दिवस को सेलिब्रेट करने का काम किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जून को लगभग 10 लाख बूथों से सीधा संवाद करेंगे। इसी के साथ सतीश पूनिया ने 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि आज देश सशक्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत हो रही है। इस अवसर पर भाजपा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, महानगर प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी, जिलाध्यक्ष राजपाल चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महानगर प्रभारी वाई पी सिंह, नगर विधायक नीतीश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, पूर्व सांसद सर्वेश सिंह, के मिश्रा, अल्पना रितेश गुप्ता, मदालसा शर्मा, श्याम बिहारी शर्मा, राहुल सेठी, संजय ढाका, राजेश रस्तोगी, महेंद्र सिंह बब्बू, निमित जायसवाल के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 9 साल में 9 कमाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस संपर्क से समर्थन महाजन संपर्क अभियान का जो 1 महीने का पूरा व्यवस्थित अभियान चलेगा, जिसकी विधिवत शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 31 तारीख को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर भूमि अजमेर से जिसको प्रारंभ किया और 30 जून तक ये अभियान चलेगा। देश के ऐसे 144 क्लस्टर हैं जिसमें 4-4 लोकसभाओं का एक क्लस्टर है, जिसमें पार्टी के नेता उस क्षेत्र में पार्टी के लिए 9 साल की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। मुझे ये सौभाग्य मिला कि अजमेर के उस प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 9 सालों की उपलब्धियों के कार्यक्रमों के निमित्त अजमेर के उस कार्यक्रम के तुरंत बाद मुझे मैनपुरी में पार्टी के इस अभियान को प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला और आज उसी निमित्त मैं आज मुरादाबाद में मेरे दूसरे दिन के प्रवास पर हूं। मित्रों, यूं तो कोई भी दल, कोई भी विचार, कोई भी संगठन अपनी खूबियों का समय समय पर उल्लेख भी करता है, प्रशंसा भी करता है, किसी को अतिशयोक्ति लगती होगी, किसी को आत्मप्रशंसा लगती होगी, लेकिन इस समय देश की जो सरकार है, इस समय देश के जो नेता है, मैं यदि थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले जाऊं, आपने हम हर बार कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन भारत जैसे देश में लोकतंत्र यहाँ परंपरा है और इसलिए कहा गया कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे बारे में ये कहा गया कि हमने संविधान किसी दूसरे देश से अडॉप्ट किया, हमने लोकतंत्र की प्रणाली किसी से सीखी, पर भारत सीखने के लिए नहीं, भारत सिखाने के लिए। और आज दुनिया का ये जो दौर है, भारत का नेतृत्व तो उसी तरफ है। मैं कुछ प्रमुख बातों का आप लोगों से उल्लेख करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग ऐसे 4 लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर्स में जाएंगे। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एमओएस राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो भी पहले से 4 लोकसभा क्षेत्रों को देख रहे हैं। मुझे इन्हीं 4 लोकसभा क्षेत्रों की 30 जून तक की जिम्मेवारी है कि जो 9 बरस के कालखंड के कार्यकाल है, इस कार्यकाल के जो कार्यक्रम है, उनको हम लोगों के घर तक पहुंचाएं और इसलिए हमारी कोशिश है। इसमें हम लोग लोकसभा के स्तर पर इस जून के महीने में एक लोकसभा की सभा और एक जो हमारे ऐसे बड़े काम जो मोदी सरकार के कार्यकालखंड में उन विकास तीर्थों का अवलोकन,
प्रबुद्ध जन लोग के सम्मेलन होंगे। इसी तर्ज पर जो हमारे सोशल मीडिया के जो ऐसे निरपेक्ष लोग हैं उनसे हम लोग चर्चा करेंगे, व्यापारियों के बीच में, वरिष्ठ लोगों के बीच में। इसी तर्ज पर जो हमारे पार्टी के मोर्चे उनका संयुक्त सम्मेलन होगा विधानसभा में। संपर्क से समर्थन, ऐसे हर विधानसभा के जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों से हम लोग समर्थन मांगने जाएंगे। घर घर मोदी सरकार की सारी चीजों को हम लोग उन तक पहुंचाएंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा, भले उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, जिसके बारे में हम लोग चुनाव के दौरान भी सुनते थे, यहाँ के प्रचार अभियान के दौरान और राजस्थान में भी सुनते थे, कि राशन और शासन दो ऐसी बड़ी चीजें थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जनमानस को भरोसा दिलाया, और इसलिए इन 9 वर्षों में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ है जिसको बेनिफिशरीज कह सकते हैं, लाभार्थी कह सकते हैं। ये लाभार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने जीवन में कल्पना नहीं की होगी इस तरीके का बदलाव उनके जीवन में आया। इसलिए किसी भी जाति, पंथ और मजहब से ऊपर एक लाभार्थियों का मतदाता वर्ग तैयार हुआ है जो मोदी सरकार के नाम और काम से आशक्त है, उनके प्रति समर्पित है। इन लाभार्थियों के सम्मेलन होंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यदि भारत की डिप्लोमेसी का उत्कृष्ट उदाहरण देखना हो तो योग की विधा को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना ये सामान्य बात नहीं। इसका मतलब भारत के धर्म को, अध्यात्म को, संस्कृति को दुनिया ने स्वीकार किया। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे उनका बलिदान दिवस है। कश्मीर की घाटी में उनका बलिदान हुआ। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, इस उदात्त नारे के साथ में उनका बलिदान हुआ। हम उनको श्रद्धा से स्मरण करते हैं। उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 लाख बूथों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज।